हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चैप्टर नंबर 3, 2 और 1 हम लोग ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हमने हर चैप्टर के कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेस। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर के नाम को एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। बिजनेस का मतलब तो मैंने आपको बताया है कि गुड्स और सर्विस को सेल करना, ताकि हम प्रॉफिट कमा पाए। वहां पर प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, उस चीज को बोलते हैं हम बिजनेस। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज का मतलब है कि ऐसी चीज जो गुड्स नहीं होती और हम उसको डिलीवर करते हैं और उसका पैसा चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर मेरे को कोई गुड्स नहीं देता, मेरे को खाली वो प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर देता है कि ये दवाई लेना है और उसकी फीस चार्ज कर लेता है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन क्या हुआ? ये हुआ सर्विस। तो यहाँ पर गुड्स नहीं है, यहाँ पर सर्विस है, यानी कि यहाँ पर कोई भी टेंजिबल आइटम्स नहीं होती। तो ऐसे आइटम्स जो कि इनटेंजिबल इन नेचर हो, उसको बोलते हैं सर्विस। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद कोई भी अगर आपका डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पर, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये भी बताइएगा कौन से क्वेश्चन का डाउट है और आपको स्पेसिफिकली क्या डाउट है। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट ले पाए। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे वीडियो जो है अभी बहुत सारे आपके लिए आने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, वो है डिफाइन सर्विसेस एंड गुड्स। सिंपल क्वेश्चन, सर्विस और गुड्स के बारे में बताना है, दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे इस क्वेश्चन के बाद। तो स्टार्ट करते हैं कि सर्विस क्या होता है और गुड्स क्या होता है। सबसे पहली बात सर्विसेज की बात करते हैं। सर्विसेज आर रिफर्ड टू एज एनी इनटेंजिबल एक्टिविटी। जैसा कि मैंने आपको बताया डॉक्टर के केस में कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, ये इनटेंजिबल एक्टिविटी है। या फिर अगर मैं बात करूं एक एडवोकेट की, तो वो खाली एडवोकेट की फीस चार्ज करता है, वो कोई गुड्स नहीं देता, वो सर्विस देता है। अगर मैं बात करूं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर खाली आपको इंटरनेट फैसिलिटी देता है, वो आपको गुड्स नहीं देता है। तो वो हो गया इनटेंजिबल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कंज्यूमर। तो यहाँ पर भी दो लोगों की जरूरत होती है, एक होता है सर्विस प्रोवाइडर, एक होता है कंज्यूमर। जैसे गुड्स के केस में दो लोगों की जरूरत होती है, एक होता है सेलर, एक होता है बायर। वैसे ही यहाँ पर जो सेलर होता है वो होता है सर्विस प्रोवाइडर, और जो बायर होता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर। परचेजिंग द सर्विस डज नॉट रिजल्ट इन ओनरशिप ऑफ एनी फिजिकल आइटम। यानी कि जब आप सर्विस लेते हो तो कोई भी आइटम पर आपका मालिकाना हक नहीं होता है, किसी भी चीज, किसी भी गुड्स पे आपका मालिकाना हक नहीं होता है। लेकिन अगर आप गुड्स खरीदते हो, तो जब आप गुड्स को परचेस कर लेते हो ना, उसके बाद वो आपकी ओनरशिप में आ जाते हैं, यानी कि अब वो आपके स्पेसिफिकली हो जाते हैं। लेकिन सर्विस के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर कोई भी फिजिकल आइटम प्रेजेंस नहीं होती। अब बात करते हैं दोस्तों गुड्स की। तो गुड्स रिफर टू ऑब्जेक्ट डेट आर टेंजिबल। बिल्कुल, अगर सर्विस इनटेंजिबल है तो गुड्स टेंजिबल है, एंड हैव अ फिजिकल अपीयरेंस। अब यहाँ पर गुड्स का फिजिकल अपीयरेंस भी होता है। तो ओनरशिप ऑफ ए गुड्स इज ट्रांसफर्ड एज सून एज इट इज परचेज। और ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है जैसा ही वो गुड परचेज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये माउस है, ठीक है, ये गुड्स है कि सर्विस है? ये गुड्स है, क्योंकि ये टेंजिबल है, इसको मैं छू सकता हूँ, इसका फिजिकल अपीयरेंस भी है, और साथ ही साथ मैंने इस चीज को परचेस किया है, तो इसका मालिक मैं हो गया। तो यहाँ पर इस चीज को बोलते हैं गुड्स, ठीक है। तो ये था गुड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा इजी, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ज्यादा इजी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 4 जो है बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज ई बैंकिंग? ई बैंकिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग? ई बैंकिंग के फायदे क्या क्या होते हैं? सबसे पहले बात करता हूँ कि बैंकिंग और ई बैंकिंग में क्या फर्क है। बैंकिंग में मैनुअल बैंकिंग भी आ जाती है। जब पुराने जमाने में जब नई नई बैंक्स खुली थी, तब वहां पर क्या होता था कि सब चीज फॉर्म से होता था। अगर आपको कोई पैसा ट्रांसफर करना है तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है तो आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, अगर आपको डिपॉजिट करना है तो भी पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, अगर आपको लोन लेना है तो पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पर ई बैंकिंग आने के बाद इतना ज्यादा इजी हो गया कि अब आप ऑनलाइन अपने स्मार्टफोन से या अपने लैपटॉप कंप्यूटर से कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो आरटीजीएस का यूज कर लिया, एनईएफटी का यूज कर लिया, या फिर आईएमपीएस का यूज कर लिया। अगर आपको पैसा डिपॉजिट करना है तो आप एटीएम सर्विस का यूज कर सकते हो। अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है तो आप चेक का यूज कर सकते हो। और अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, आप ई नेट बैंकिंग में जाके चेकबुक की रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सभी जो एडवांटेजेस है ये है ई बैंकिंग के, यानी कि आप घर बैठे बहुत सारी सुविधा ले सकते हो, अब आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले इसके आंसर देखते हैं कि ई बैंकिंग क्या होता है। ई बैंकिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम फॉर कंडक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शंस विच इंक्लूड मनी ट्रांसफर, अकाउंट बैलेंस चेकिंग, अप्लाइंग फॉर चेकबुक एंड अप्लाइंग बोन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सभी ट्रांजेक्शन को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो, जैसे कि पैसा ट्रांसफर करना, अकाउंट्स का बैलेंस चेक करना, चेकबुक के लिए अप्लाई करना, या किसी लोन के लिए अप्लाई करना। दिस सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय बैंक टू हेल्प देयर कस्टमर एक्सेस बैंकिंग फैसिलिटी एनी टाइम एनीवेयर। अब ई बैंकिंग का फायदा ये होता है कि आप पूरे दुनिया में कहीं भी रहो, लेकिन अपना अकाउंट बैलेंस आप 2 मिनट के अंदर लॉगिन करके पता कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा इजी हो गया, इसको बोलते हैं ई बैंकिंग। अब इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं? सबसे पहला एडवांटेज, इट एंश्योर्स राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी ऑफ मोस्ट बैंकिंग सर्विसेज विच हेल्प मेक लाइफ कंफर्टेबल फॉर द कस्टमर। यानी कि बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज ऐसी हो जो 24x7 आपको अवेलेबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बैलेंस चेक करना, आप कभी भी कहीं भी बैलेंस चेक कर सकते हो। चेकबुक रिक्वेस्ट करना, आप किसी भी टाइम चेकबुक रिक्वेस्ट कर सकते हो। आरटीजीएस करना, आप किसी भी टाइम आरटीजीएस कर सकते हो। और भी बहुत सारी ऐसी सर्विस है जो राउंड द क्लॉक आपको अवेलेबल रहती है ई बैंकिंग में, जो कि नॉर्मल बैंकिंग में आपको खाली बैंकिंग टाइम के दौरान अवेलेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, 9:30 बजे से शाम को 4:30 बजे तक, तो ये जो है बैंकिंग टाइम होता है, इसमें आप कर सकते हो। लेकिन अगर इसके इस टाइम के बाहर करना है तो आपको ई बैंकिंग में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके बाद दूसरा, बैंकिंग ट्रांजेक्शन कैन बी कंडक्टेड एनी टाइम, कभी भी कर सकते हो, मोबाइल से या फिर लैपटॉप से, बहुत ज्यादा इजी। तीसरा, इट रिड्यूसेस द लोड ऑन बैंक बाय फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन। अब होता क्या है कि अगर आप बैंक में जाओगे पैसा ट्रांसफर करने, तो सबसे पहले आपको फॉर्म लगेगा, आपको चेक लगेगा आरटीजीएस का, और उसके बाद आपको बैंक जाना पड़ेगा। बैंक वाले को आपको टाइम देना पड़ेगा कि ये कस्टमर आया, इसको हैंडल करो। फिर वो आपका ट्रांजेक्शन लेगा, उसको कंप्यूटर में फीड करेगा, पैसे को ट्रांसफर करेगा, फिर आपको सील साइन मारेगा रिसिप्ट में, और उसके बाद रिसिप्ट देगा। तो इतनी बड़ी प्रोसेस करने करने के लिए बैंक को बहुत सारा समय चाहिए होता है। लेकिन अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो तो सब चीज आप खुद कर सकते हो, बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, सब चीज ऑनलाइन हो जाता है। तो ये जो है, ये बैंक का लोड जो है उसको कम कर देता है। तो ये दोस्तों फायदा होता है ई बैंकिंग का। क्वेश्चन नंबर टू बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा इजी तरीके से हमने इसको खत्म कर दिया। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, जो कि है राइट अ नोट ऑन वेरियस टेलीकॉम सर्विस अवेलेबल फॉर एनहांसिंग बिजनेस। बिजनेस करने के लिए टेलीकॉम सर्विसेज की क्यों जरूरत क्यों पड़ती है? टेलीकॉम सर्विस होता क्या है? टेलीकॉम, टेलीकॉम यानी कि कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, इंटरनेट सर्विस और डीटीएच सर्विस, ये सबको बोलते हैं टेलीकॉम सर्विस। अब टेलीकॉम सर्विस का फायदा क्या होता है बिजनेस में, कि जैसे कि अगर आपको किसी को कॉल करना है, ठीक है, तो आप किसका यूज करोगे? फोन का यूज करोगे, वो हो गया टेलीकॉम सर्विस। अगर आपको किसी को ईमेल करना है तो आप कंप्यूटर का यूज करोगे, कंप्यूटर यूज करेगा इंटरनेट का। और जैसे कि अगर आपको कोई मीडिया चैनल्स देखने हैं तो आप डीटीएच का यूज करके, वहां पर टाटा स्काई या फिर डिश टीवी या जो भी चीज आप उसको यूज करके जो है मीडिया चैनल्स देख सकते हो। तो वैसे ही आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट में बताना है कि टेलीकॉम सर्विस के ऊपर एक छोटा सा नोट लिखना है। सबसे पहला, वेरियस टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विस आर अवेलेबल विच हेल्प्स इन एनहांसिंग बिजनेस, दिस आर मेंशन बिलो। बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जो बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से कुछ जो है आपको यहाँ पर बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, पहला, सेलुलर मोबाइल सर्विस। सबको पता है कि आज के डेट में फोन से ही सब कुछ होता है, फोन से ही आधा बिजनेस हैंडल कर लेते हैं। अगर आप वैकेशन में जाते हो तो भी आप फोन से बिजनेस हैंडल कर सकते हो। तो ये होता है सेलुलर मोबाइल सर्विस। दूसरा, रेडियो पेजिंग सर्विस। रेडियो पेजिंग सर्विस जो है थोड़ा सा पुराने जमाने की सर्विस मैं बोलूंगा। इसमें होता है टोन या फिर न्यूमेरिक चीजों को ट्रांसमिट करना, है ना, और साथ ही साथ आपके मैसेजेस को, अल्फा न्यूमेरिक मैसेजेस को ट्रांसमिट करना, ये होता है रेडियो पेजिंग सर्विस। अब आज के डेट में व्हाट्सएप आ गया, टेलीग्राम आ गया, ईमेल आ गया, तो यहाँ पर आप इस चीज को काफी ज्यादा इजीली जो है इंटरनेट सर्विस से कर सकते हो। तीसरी बात,
फिक्स्ड लाइन सर्विस। फिक्स्ड लाइन सर्विस यानी कि इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस से आप इसको रिलेट कर सकते हो, जहां पर आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी दी जाती है फाइबर ऑप्टिक केबल से। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है स्पेसिफिकली इसीलिए यूज होते हैं कि वहां पर आपको इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा मिले और इंटरनेट की स्पीड ड्रॉप ना हो। जैसे कि पुराने जमाने में इंटरनेट की स्पीड ड्रॉप हो जाती थी, कभी स्लो हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर फाइबर केबल में, फाइबर केबल को यूज करने के बाद इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा स्टेबल रहती है। तो ये बात है फिक्स्ड लाइन सर्विस की, जहां पर आपको वॉइस नॉन वॉइस डेटा सर्विस जो है वो अवेलेबल हो जाती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। इसके बाद फोर्थ सर्विस की बात करूँ तो वो है केबल सर्विस। केबल सर्विस क्या होती है? मीडिया इंफॉर्मेशन इसमें से ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जाम्पल टीवी केबल, अगर आपको टीवी देखना है तो आप टीवी केबल का लोकल प्रोवाइडर यूज कर लेते हो। लोकल प्रोवाइडर जो रहते हैं वो आपको केबल के जरिए आपकी टीवी में केबल कनेक्ट करके वहां पर सारे चैनल्स को जो है ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। तो ये होता है केबल सर्विसेस। केबल सर्विसेस मीडिया इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन अ डिफाइंड एरिया एंड फॉर ट्रांसमिटिंग सच इन्फॉर्मेशन लाइसेंस नीड्स टू बी एक्वायर। फॉलो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज वन साइडेड इन दिस टाइप ऑफ सर्विस। यहाँ पर केबल सर्विस में खाली एक ही साइड इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, यानी कि अगर आप टीवी देखते हो तो वो खाली इनपुट है, आप उसमें कुछ और फीड नहीं कर सकते। तो उसमें खाली जो है आपको आउटपुट मिलेगा और सामने वाला इनपुट करेगा, आप उसमें कुछ इनपुट नहीं कर सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए केबल सर्विस क्या होती है। इसके बाद बात करेंगे VSAT। VSAT का मतलब होता है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। अब ये क्या होता है? ये सैटेलाइट बेस्ड सर्विस होती है जिससे बहुत सारे अलग अलग एरियाज में जो है आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है। अगर बात करूँ केबल सर्विस की तो केबल सर्विस खाली लोकल एरिया में चलती है, ऑप्टिक फाइबर खाली कुछ कुछ डिस्टेंस को कवर करती है, लेकिन VSAT सर्विस जो होती है वो सैटेलाइट से होती है, वो बहुत ज्यादा एरिया को कैप्चर करती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। छठवीं आ गई DTH सर्विस। DTH सर्विस यानी कि डायरेक्ट टू होम सर्विस। दिस आर सैटेलाइट विद मीडिया सर्विस इन विच मीडिया चैनल कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ सैटेलाइट एंड रिसीव थ्रू स्मॉल डिश एन एंटीना। DTH यानी कि टाटा स्काई हो गया, डिश टीवी हो गया, और जो भी आता है एयरटेल वेयरटेल भारती एयरटेल, वो सभी जो टीवी आपको टीवी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं DTH सर्विस। ठीक है, जो ऊपर में वो लगा रहता है ना गोल टाइप का, क्या बोलते हैं उसको, नहीं सैटेलाइट नहीं, डिश, डिश जो डिश लगा रहता है ना ऊपर में, वो ट्रांसमिट करता है अपने डेटा को और फिर अपने टीवी में दिखाता है, तो उसको बोलते हैं DTH सर्विस। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस विद सूटेबल एग्जांपल। यानी कि आपको इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स बताने हैं, यानी कि इंश्योरेंस जो है उसमें कौन सी चीजें आपको देखने को मिल जाती है और कौन सी चीजें जो है वो इंश्योरर को और इंश्योरी को करनी पड़ती है, उन सब के बारे में आपको बताना है, साथ ही साथ एक एग्जाम्पल भी देना है। इस क्वेश्चन को चालू करने से पहले मैं आपको चीज बता देता हूँ कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस दोस्तों यहाँ पर एक होता है, एक पार्टी होता है इंश्योरर और एक पार्टी होता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन होता है? जो इंश्योरेंस खरीदता है इंश्योरर से, और इंश्योरर इंश्योरेंस को बेचता है इंश्योर्ड पर्सन को। जो इंश्योर्ड पर्सन होता है अगर उसका लॉस होता है तो इंश्योरर इंश्योर्ड पर्सन को पैसा देता है, और उसके बदले में इंश्योर्ड पर्सन इंश्योरर को प्रीमियम प्रोवाइड करता है। सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस लेता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हुआ, मैं हुआ इंश्योर्ड, क्योंकि मेरी लाइफ इंश्योर्ड हो गई, यानी कि मेरी लाइफ सिक्योर हो गई, और सामने वाला क्या हुआ इंश्योरर, क्योंकि वो मेरे को इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर दो पार्टी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स का क्या होते हैं। सबसे पहला अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि गुड फेथ होना चाहिए दोनों पार्टीज को एक दूसरे पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने कंपनी को बताया ही नहीं कि मेरे को पहले से हेल्थ इश्यूज है, तो ये तो फेथफुली इंश्योरेंस कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, यानी कि मैंने धोखा किया कंपनी के साथ और बाद में मैं उनसे जो है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा मांग रहा हूँ, तो ये तो कोई अच्छी डील नहीं हुई। तो यहाँ पर इसको अटमोस्ट गुड फेथ में होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट बोथ द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट हैव फेथ इन ईच अदर एंड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट साइड फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड डज नॉट इन्फॉर्म द सेम टू द इंश्योरेंस कंपनी, द इंश्योरेंस कैन रिजेक्ट द क्लेम। अब होता क्या है कि अगर आपने इंश्योरेंस सर्विस इंश्योरेंस कंपनी को बिना बताए इंश्योरेंस ले लिया हेल्थ इंश्योरेंस, और आपको पहले से कोई ऐसी बीमारी है जिसके ट्रीटमेंट के लिए आपको पैसे चाहिए, लेकिन आपने कंपनी को बताया नहीं कि मेरे को वो बीमारी पहले से है,
बाद में जब इंश्योरेंस हो गया तब उसके बाद आपने उस चीज का इंश्योरेंस क्लेम किया और कंपनी को पता चला कि आपको ये बीमारी तो पहले से थी, तो कंपनी क्या करेगी, उस क्लेम को रोक देगी, उस क्लेम को रिजेक्ट कर देगी, यानी कि आपको कोई भी पैसा नहीं देगी। तो यहाँ पर अटमोस्ट गुड फेथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। द ओनर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी शुड हैव एन ओनरशिप इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर और द ऑब्जेक्ट दैट इज इंश्योर्ड। द एब्सेंस ऑफ एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट मेक द पॉलिसी नल एंड वॉइड। यानी कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि जो भी गुड्स का अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार का इंश्योरेंस ले रहा हूँ, तो वो कार जो है उसका ओनर मैं ही रहना चाहिए, ठीक है, तभी उसको बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रक ड्राइवर हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द ट्रक एज इट सोर्स ऑफ इनकम। इफ ही सेल्स द ट्रक ही कैन नॉट अर्न एनी मोर मनी फ्रॉम इट। ठीक है, तो यानी कि अगर ट्रक ड्राइवर के पास जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है ट्रक, अगर वो ट्रक को बेच दे तो वो और कोई इनकम नहीं कमा सकता फिर, तो ये हो गया उसके लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि वो ट्रक को इंश्योर कर देगा, ठीक है, ट्रक के लिए इंश्योरेंस ले लेगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो होता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी यानी कि क्षतिपूर्ति करना, यानी कि किसी के लॉस को बियर करना, किसी के लॉस के बदले में रिपेमेंट करना। तो इंश्योरेंस का काम ही वही होता है कि अगर किसी का लॉस हो गया तो आपको उस लॉस की भरपाई करनी होती है। सबसे पहले, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इंश्योर्स दैट द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्ट्स एंड कंपनसेट द इंश्योर्ड फ्रॉम एनी लॉस। अब देखो यहाँ पर इंश्योर्ड के लॉस के बारे में बात की है ना, मैंने आपको दो वर्ड एक्सप्लेन किए थे, एक इंश्योरर एक होता है इंश्योर्ड। तो यहाँ पर इंश्योर्ड यानी कि जो मैं हूँ मेरे लॉस को कवर करेगी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कार इज इंश्योर्ड फॉर 2 लैक्स सफर सम डैमेज अमाउंटिंग टू 1 लैक, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट ओनली 1 लैक टू द इंश्योर्ड। द आइडिया इज टू कंपनसेट द इंश्योर्ड, नॉट टू मेक हिम गेन एनी प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कार इंश्योरेंस लिया और कार का एक्सीडेंट हो गया, कार में कोई लॉस हो गया, तो क्या होगा, तो होगा ये कि जैसे कि कार में मैंने इंश्योरेंस लिया था 2 लाख का, लेकिन लॉस हुआ 1 लाख का, तो मेरे को कंपनी 1 लाख रुपए ही देगी, 2 लाख रुपए नहीं देगी। वो मेरे प्रॉफिट के लिए कांटेक्ट नहीं करती है, मेरे लॉस को कंपनसेट करने के लिए कांटेक्ट करती है। तो मेरे को लॉस हुआ है 1 लाख का, तो कंपनी पैसा भी मेरे को 1 लाख रुपए ही देगी। ये होता है इंडेमनिटी। अब आते हैं चौथे पॉइंट में, जो होता है प्रॉक्सीमेट कॉस्ट। प्रॉक्सीमेट कॉस्ट यानी कि किसी कॉज के लिए आपको इंश्योरेंस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इंश्योरेंस क्यों मिलता है, डेथ होने पर आपको पैसा मिले इसीलिए। फायर इंश्योरेंस क्यों मिलता है, कि अगर आपके फैक्ट्री में आपके घर में आग लग गई तो आपको इंश्योरेंस मिले। मैरिन इंश्योरेंस किस लिए होता है, कि अगर आप शिप से कोई गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो और गुड्स पानी में गिर गए तो वहां पर जो है उस डैमेज को रिकवर करने के लिए होता है। तो हर चीज में प्रॉक्सीमेट कॉज होता है। दिस प्रिंसिपल इज यूज टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ लॉस एंड इफ द लॉस इज ड्यू टू द ऑब्जेक्ट इंश्योर्ड। यानी कि जिस चीज के लिए आपने इंश्योरेंस लिया था अगर वही लॉस होता है तो ही आपको पैसा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए हाउस इज बर्न डाउन बाय द फायर, इट विल बी चेक टू सी हाउ फायर स्टार्टेड एंड द कंपनसेशन विल बी बेस्ड ऑन द इंश्योरेंस अगेंस्ट फायर। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा है, ठीक है, अगर आपके घर में आग लग गई तो आप उस घर के लिए पैसा नहीं मांग सकते। जब तक आपको कुछ नहीं होगा तब तक आप उस घर के लिए कैसे पैसा मांगोगे, आपने थोड़ी ना फायर इंश्योरेंस लिया था, आपने तो हेल्थ इंश्योरेंस लिया है ना। तो अगर आपने फायर इंश्योरेंस लिया है तब आप उस घर के आग के लिए इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, लेकिन अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो आप हेल्थ के लिए क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉक्सीमेट कॉस्ट होना चाहिए। पांचवा, सबरोगेशन। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वंस द अप्रोप्रिएट कंपनसेशन इज पेड, द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी और द ऑब्जेक्ट गेट ट्रांसफर टू द इंश्योरर, सो दैट द इंश्योर्ड कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी फॉर द प्रॉफिट। सबरोगेशन का मतलब क्या होता है, कि मान के चलो मैंने कोई भी चीज जो है परचेस की, उसको इंश्योर्ड किया, तो मैं हो गया इंश्योर्ड, सामने वाले हो गए इंश्योरर। अब दोस्तों उस चीज में बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, मैंने क्लेम किया इंश्योरेंस को और इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को पैसा दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या सोची, कि भाई मैंने तो उसको पैसा दे दिया है और अगर अब ये पैसे का गलत यूज करेगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वहां पर एक टर्म्स एंड कंडीशन डालते हैं कि भाई साहब हम आपको पैसा देंगे, लेकिन इस पैसे को देने के बाद जो भी आपकी गुड्स होगी उसमें मेरा राइट हो जाएगा, यानी कि इंश्योरर का राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर वो उस चीज को सेल नहीं कर पाएगा जब तक वो इंश्योरेंस कंपनी से उस चीज को सेल करने की परमिशन ना ले। तो ये फायदा हो गया है ना, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, सबरोगेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं,
फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन रिसीव्स 1 लाख एज डैमेज टू कार फ्रॉम द कार इंश्योरेंस ही कैन रिपेयर द कार बट नॉट सेल इट फॉर प्रॉफिट। यानी कि अगर उसको 1 लाख रुपए का डैमेज क्लेम मिलता है तो उससे उसको कार रिपेयर करना है। अब वो डैमेज क्लेम कर लिया, उसके बाद उस कार को बेच के और पैसा ले लिया, प्रॉफिट कमा लिया, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। इसके बाद आता है कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर दो इंश्योरर है, फॉर एग्जाम्पल एक जन ने क्या किया, अपने स्टॉक को इंश्योर कराया अगेंस्ट फायर, कि भाई साहब मेरे स्टॉक में अगर आग लग जाती है तो आप मेरे को इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करना। लेकिन उसने क्या किया, दो बैंक से सर्विस ले ली, ठीक है, दो बैंक से ले ली। अब वो क्या, जब आग लगेगी ना तब दोनों बैंक को बराबर बराबर पैसा देना पड़ेगा, एक बैंक को नहीं भरना पड़ेगा, दोनों बैंक को बराबर बराबर पैसा देना पड़ेगा। और जो भी प्रीमियम देगा ना वो भी दोनों बैंक को बराबर बराबर मिलेगा। इफ देर आर टू इंश्योरर्स फ्रॉम विच इंश्योरेंस इज टेकन देन इन केस ऑफ एनी लॉस बोथ द इंश्योरेंस विल कंट्रीब्यूट टू फिल अप द लॉस। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन इज टेकन लोन फ्रॉम टू बैंक्स देन इन केस ऑफ रीपेमेंट बोथ बैंक्स शुड इक्वली कंट्रीब्यूट। सीधा सीधा था। सातवां आ गया मिटिगेशन, द इंश्योर्ड शुड बी टेकिंग केयर ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इंश्योर्ड लाइक इट वॉज टेकन केयर बिफोर गेटिंग द इंश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल इफ ए कार इज परचेज द ओनर शुड टेक प्रॉपर केयर एंड मेंटेन द कार। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी चीज का इंश्योरेंस लिया है तो आपको उस चीज को मेंटेन भी करना पड़ेगा। मेंटेन करने से मेरा मतलब है कि उस चीज को प्रॉपर उसकी केयर भी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कार इंश्योरेंस लिया, अब कार इंश्योरेंस मैंने तो ले लिया है रिपेयर के लिए, लेकिन मैं कार का रिपेयर मेंटेनेंस पे ध्यान दे ही नहीं रहा हूँ, मैं उसकी सर्विसिंग ही नहीं करवा रहा हूँ, तो ये तो मेरा फॉल्ट हुआ। तो अब मेरे फॉल्ट के लिए इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी ना आपको पैसे देगी, तो ये बात ध्यान में आपको रखनी चाहिए। मिटिगेशन सातवां पॉइंट। तो ये दोस्तों खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन वेयर हाउसिंग एंड इट्स फंक्शन, यानी कि आपको बताना है कि वेयर हाउसिंग क्या होता है और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। वेयर हाउसिंग क्या होता है, वेयर हाउसिंग होता है गोडाउन जहां पर हम गुड्स को स्टोर करते हैं, पैकिंग करते हैं और फिर उसको बेच देते हैं, सिंपल है। अब यहाँ पर दो टाइप की वेयर हाउसिंग होती है, एक होती है पुराने टाइप की वेयर हाउसिंग, एक होती है मॉडर्न टाइप की वेयर हाउसिंग। मॉडर्न टाइप की वेयर हाउसिंग क्या होती है, पुराने टाइप की वेयर हाउसिंग क्या होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, वेयर हाउसिंग वॉज इनिशियली पुराने जमाने में थॉट एज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग गुड्स इन अ साइंटिफिक मैनर। पुराने जमाने में वेयर हाउस को खाली गुड्स स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि उसकी क्वालिटी वैल्यू और यूजफुलनेस बनी रहे। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर क्वालिटी वैल्यू एंड यूजफुलनेस, तो पुराने जमाने में वेयर हाउस को यूज किया जाता था खाली गुड्स को स्टोर करने के लिए। लेकिन इन मॉडर्न टाइम्स इट हैज बिकम मोर रिलेवेंट एज ए लॉजिस्टिकल सर्विस प्रोवाइडर विद एम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग गुड्स एट राइट टाइम एंड इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर वाइल प्रिजर्विंग द वैल्यू एंड क्वालिटी। यानी कि अभी क्यों यूज किया जाता है, अभी यूज किया जाता है लॉजिस्टिकल मैनर में। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टिंग में अगर आपको एक जगह से दूसरे डेस्टिनेशन में गुड्स को ले जाना है, लेकिन बीच में आपको ट्रांसपोर्टर चेंज करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान के चलूँ कि अगर मेरे को इंडिया से गुड्स ले जाना है अमेरिका, ठीक है, लेकिन बीच में मेरे को दुबई में जो है शिप चेंज करनी पड़ती है, तो अगर मैं गुड्स भेजता हूँ तो दुबई में जो भी वहाँ पर गुड्स वो शिप से अनलोड होगा, ठीक है, उसको फिर रखेंगे एक गोडाउन में, उसको वेयर हाउस में रखेंगे, तो इसको बोलते हैं यूज होना लॉजिस्टिकल पर्पस के लिए। इसके बाद वो गुड्स वहां से जाएगा अमेरिका, तो यहाँ पर लॉजिस्टिकल पर्पस के लिए यूज होता है, जहां पर उसकी क्वालिटी वैल्यू को मेंटेन किया जाता है, साथ ही साथ वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है, क्योंकि वहां पर उसको अच्छे से हम रख सकते हैं सिक्योर करके। ये होती है वेयर हाउसिंग। अब फंक्शंस क्या होते हैं वेयर हाउसिंग के, गुड्स डेट आर नॉट नीडेड ऑन एन इमीडिएट बेसिस कैन बी स्टोर्ड इन द वेयर हाउस। सबको पता है जो गुड्स आपको इमीडिएट बेसिस पे नहीं चाहिए उसको आप वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हो। द गुड्स कैन बी सप्लाइड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर्स। जैसे जैसे गुड्स आपको कस्टमर की डिमांड आती है वैसे वैसे आप गुड्स को गोडाउन से निकालकर सप्लाई करते जाते हो, तो ये बेनिफिट होती है, आप पहले से प्रोडक्शन करके उसको रख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में अभी कोई रॉ मटेरियल की प्राइस बहुत ज़्यादा कम चल रही है, तो आपने क्या किया, उस रॉ मटेरियल को बहुत ज़्यादा खरीद लिया और उसको गोडाउन में रख लिया। फिर जैसे जैसे उस रॉ मटेरियल की डिमांड आएगी मार्केट में, तो आप उससे
प्रोड्यूस करोगे प्रोडक्ट और फिर उसको मार्केट में सप्लाई कर दोगे, तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, पहला। दूसरा, कंसोलिडेटिंग इज नेसेसरी फॉर गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटीज बट सोल्ड इन कस्टमर इन बल्क वेयर हाउस हेल्प इन कंसोलिडेशन ऑफ गुड्स। कंसोलिडेशन ऑफ गुड्स का क्या मतलब है? कंसोलिडेशन ऑफ गुड्स का मतलब है ऐसे गुड्स जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जब उसको बेचते हैं तब वो बड़े क्वांटिटी में बिकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीनट चक्की, पीनट चक्की जो होती है, चिक्की जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होती है, वो 5 रुपए 10 रुपए के पैक में प्रोड्यूस होती है, लेकिन जब वो सेल होती है तब वो कार्टून के हिसाब से सेल होती है, लेकिन उसको कार्टून के हिसाब से पैक करने के लिए हमको वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है। तो ये होता है वेयर हाउस का फंक्शन कंसोलिडेटिंग। ठीक इसका उल्टा क्या होता है कि अगर कोई चीज बल्क में प्रोड्यूस हो रही है और वो बिक जो रही है वो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में रही है ना, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर ब्रेकिंग द बल्क। A warehouse also stock goods in bulk and then dispatch the items in a small quantity as per the requirement of consumer. This is called breaking the bulk. For example, अगर मैं बात करूँ farmers की, तो farmer बहुत ही ज़्यादा bulk में produce करते हैं, rice, wheat, grains, जो भी वो produce करते हैं, लेकिन वो बेचते जो हैं वो small small quantity में, है ना? तो यहाँ पर उस बड़ी क्वांटिटी को स्मॉल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक वेयरहाउस की जरूरत पड़ेगी, जहां पर आप पहले बल्क क्वांटिटी में रखोगे फिर उसको अलग अलग करके स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में बेचोगे। तो ये भी काम जो है वेयरहाउस का होता है। द फंक्शन ऑफ पैकिंग, लेबलिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ गुड्स आर सम ऑफ द वैल्यू एडेड सर्विस दैट वेयरहाउस प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर ये बात भी सिंपल है कि लेबलिंग की सर्विस या फिर सॉर्टिंग करने की सर्विस या फिर पैकिंग करने की सर्विस, ये सब सर्विस भी आपको वेयरहाउस प्रोवाइड करता है। पांचवा जो है यहाँ पर, इसको एडवांटेज भी बोल सकते हैं और डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्राइस स्टेबलाइजेशन बाय एडजस्टिंग सप्लाई ऑफ गुड एज पर द डिमांड इन मार्केट। यानी कि अगर मान के चलो मार्केट में किसी चीज की प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गई और अब उससे प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उस गुड को बेचेगा ही नहीं, उसको वेयरहाउस में स्टोर करके रखेगा जब तक उसकी डिमांड क्रिएट ना हो, ठीक है? और फिर जैसे उसकी प्राइस बढ़ेगी उसको बेच देगा, ये उसके लिए बेनिफिट हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसके चलते लोग जो है आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी जो है टमाटर, टमाटर के रेट जो है मार्केट में बहुत कम है, ठीक? तो अब उसको क्या करेंगे, टमाटर को लोग स्टोर कर देंगे रेफ्रिजरेटर में, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर वेयर हाउस होते हैं वहां पर स्टोर कर देंगे। जैसे ही टमाटर मार्केट में कम हो जाएगा तो क्या होगा, टमाटर की डिमांड ज्यादा है लेकिन उसका स्टॉक कम है, तो ऑटोमेटिकली टमाटर की प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि मार्केट में वो चीज कम है। मार्केट में जो चीज कम होती है उसकी उसकी प्राइस हमेशा बढ़ जाती है, तो अब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो ये गोडाउन वाला क्या करेगा, फिर उसको ऑटोमेटिकली बेचना चालू कर देगा, है ना? तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करना। ये चीज भी गुड़ा वेयर हाउस से की जाती है, लेकिन अपने को यहाँ पर फंक्शंस लिखना है तो अपन यहाँ पर प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे। दोस्तों ये होता है कंप्लीट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर आप दोस्तों ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं लॉन्ग आंसर्स के या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट के, अकाउंटेंसी के, तो वो यहाँ पर जल्दी इस चैनल पे अपलोड होंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।